Assalamu alaikum. I'm out of bread. I'm out of bread. Assalamu alaikum. I decided to vlog today because I'm bored and I have to go somewhere where I don't want to go. And I'm feeling really angry and matlab jo bhi ho. So I decided to film my struggles of being a girl. Bas. Ye. Basically, I have to go to a wedding. मुझे एक घंटे में निकलना है और मैं अभी नहा के निकली हूँ. मैंने कपड़े भी नहीं निकाले, मैंने कपड़े इस्त्री भी नहीं किए, मैंने अपनी शक्ल भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है. असल में मेरा क्या ट्रिक होता है ना, अगर मुझे जाना नहीं होता, मैं एंड टाइम पे अपनी मम्मी को कहती हूँ कि मुझे जाना नहीं है, फिर वो फोर्स नहीं करती क्योंकि भाई लेट हो जाती हैं फिर वो, तो फिर मैं जाती नहीं. लेकिन इस दफ़ा वो मुझे डांट रही हैं तो मुझे जाना पड़ रहा है. तो मैं नहा के निकली हूँ अभी. टाइम पे निकलेंगे ये मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरी वजह से ही देर होगी, क्योंकि अभी एक मिनट बताती हूँ. क्योंकि 2:37 हो रहे हैं, 2:37 हो रहे हैं और हमने निकलना है एक घंटे में, मतलब मैं तैयार नहीं हो पाऊंगी. वैसे तो मुझे शौक नहीं है कोई तैयार होने का, लेकिन खैर हम जाएंगे अभी कपड़े निकालने हैं, जो मुझे पता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो मैं कभी पहनती भी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं जाना. देखो, अगर मेरे कमरे में आप घुसते हैं तो ये मेरा ना बड़ी कबट है, इसमें मेरे कपड़े होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये मेरी कबट खुली रहती है पता नहीं क्यों. उसके अलावा मैं ये शेयर करती हूँ अपने भाई के साथ. तो अगर आप ये खोलें तो यहाँ पे सारे पाकिस्तानी कपड़े होते हैं और इंडियन कपड़े होते हैं वहाँ पर भी, और फिर यहाँ पे आते हैं जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ. लेकिन अगर आप इसको यूँ करोगे तो यहाँ पे भी एक खाना है, और यहाँ पे जो थैले हैं इसमें भी सूट हैं, और यहाँ जो नीचे है इसमें भी बहुत सारे सूट हैं. एंड आई डोंट नो मैं क्या निकालूँ, और मुझे इस्त्री भी करनी है. कहाँ से शुरू करूँ. देखो ये बहुत ब्राइट है ना, ये नहीं पहनेंगे. ये भी अच्छा है, डार्क है. ओ ये पता है क्या है इसके साथ हुआ है. मैं किसी की शादी पे गई थी तो ना मुझे कपड़े इस्त्री करने थे, तो मैंने ये पहना था, ये वाला सूट, तो ना मैंने इसको जला दिया. मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया था. और ये कहाँ से जला हुआ मैं दिखाती हूँ. हाँ हाँ ये रहा, ये देखो नज़र आ रहा है. ये मैंने किया था, मुझे कसम खुदा की कोई तमीज़ नहीं है. ये देखो, और ये मेरे पास अभी भी रखा हुआ है पता नहीं क्यों. ये क्या है ये, ओ हो ये पहन लेते हैं. मैं ये इतना लंबा इतना ब्राइट है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा. नहीं जाना क्या मैं? मुझे बिल्कुल इसमें क्या, ये पहन लेते हैं. लेकिन ये काला है और ढोलकी में जा रही हूँ मैं, ये बहुत काला है. लेकिन मैं कुछ डार्क पहनना चाहती हूँ, होता है ना कि कभी एक बार मूड में कुछ डार्क पहनो, मतलब लाइक ब्लैक इज द कलर ऑफ डोंट टॉक टू मी, हाँ होता है ना ऐसे. ये पहन लेता हूँ, ये भी बहुत ब्राइट है. ये क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ा है. ये देखो ऐसे ऐसे लगेगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. ज़्यादा हो जाएगा ना, है ना, है ना? ये उठा के रखना भी है मुझे. मैं नहीं जाना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, है ना, है ना? कोई मदद करने के लिए भी नहीं है. यार ये भी तो अच्छा लगेगा. ये पूरा पिंक सूट है, इसका दुपट्टा इतना बड़ा है, ऐसा लग रहा है झाड़ू लगा रही हूँ. मुझे नहीं जाना.
मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं खेल रही हूँ यहाँ पे. मैं यही पहन रही हूँ. ये काला है, देखो ठंड भी हो रही है, ये मोटा है. इसका पजामा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन खैर खैर पहनना पड़ेगा वरना मम्मी डांटेगी. और इसका दुपट्टा ये रहा. मुझे पता है इस दुपट्टे में क्या मसला है, देखो मैं दिखाती हूँ. अभी नज़र भी नहीं आएगा शायद इतना. कलर छोड़ता है, मतलब कलर छोड़ता है बस. ठीक है, कलर छोड़ता है. हाँ ये अच्छा लगेगा ढोलकी के लिए. ये बहुत काला है. मैं इस्त्री करने जा रही हूँ. ये ना वेलवेट का सूट है, इस पे इस्त्री नहीं करनी. इस पे भी इस्त्री नहीं होनी. इस पे इस्त्री हो गई. टाइम क्या हो रहा है? मेरा मोबाइल कपड़ों के ढेर के नीचे है. 2:53 40 मिनट है मेरे पास. फिर आती है मेकअप की बारी, जो मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा लगाने का. सही तो लग रही हूँ ऐसे. लेकिन अम्मी ये है क्रीम, क्योंकि विंटर हो रहे हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो हम क्रीम लगाएंगे. और हमने क्रीम लगा ली है. इस चीज़ के साथ हम हमारे काले काले दाग आग के नीचे छुपाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज किलिंग मी. और यूनिवर्सिटी इज टट्टी एंड यूनिवर्सिटी इज ऑफुल एंड या. और मैं कहीं और नहीं लगाती, मुझे पता है मेरे यहाँ दाने हो रहे हैं, छुपाने होते हैं. मैं नहीं छुपाती, क्योंकि बस मैं नहीं छुपाती. अपने मुंह में मार मार के इसको हम अंदर कर देंगे या अंदर कर देंगे. खैर समझ गए ना. पता है एक चीज़ जो मुझे नफरत आती है, वहाँ पर आंटियाँ होती हैं ना, मतलब हर जगह आंटियाँ होती हैं. ये नहीं कि आंटियाँ मुझे गंदी लगती हैं, मैं हंसी मजाक करती हूँ सबके साथ, लेकिन ना फ़ायदा नहीं होता तैयार होकर जाने का मेरा. पता है क्यों? अगर कुछ भी पहनी हूँ, अच्छी लग रही हूँ, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट जा रही हूँ, तो ये होता है बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, बहुत प्यारी. लेकिन आप लेंस क्यों नहीं पहनती हो? इसका मतलब चश्मे में अच्छे नहीं लग रहे हो आप. ज़्यादा अच्छे लगोगे अगर लेंस पहनोगे. मैं तो अपनी शादी में ना, अगर मेरी शादी होगी ना, मैं ना चश्मा पहनूंगी, सबको दिखाऊंगी, देखो चश्मे के साथ मैं शादी कर रही हूँ. कितना मज़ा आएगा यार. ओ ये लगाना होता है इससे पहले, मैंने नहीं लगाया. खैर फिर हम लगाएंगे थोड़ा सा ब्राउन, क्योंकि मैं ब्राउन इनफ नहीं हूँ. सरकैज़म देखी आपने मेरी, अच्छी है मेरी सरकैज़म. और कसम खुदा की मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है, यूं और यूं यूं हिला देती हूँ. ओह कितना गंदा लग रहा है. हाँ अब सही है भाई. कुछ पता है, एक तो पता है मुसीबत क्या होती है मेकअप की ना, चश्मे के बगैर करना होता है, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आता, तो फिर बस मैं कुछ कर ही होती हूँ अंदाजे से. समझ रहे हो यूँ किया और ये यूँ आंखों पे भी मार दिए बस. ये क्यों निकाल के भेज दी कपड़े के साथ? मैं देख रही थी क्या पहनूंगी. उठाने पर आप मेरी हेल्प करेंगी ना? क्या हेल्प? कपड़े रखने में वापस. बगैर जवाब दे के चली गई. आई शेड है? आई शेड? आप आई शेड लगाएंगी? नहीं ऐसे ब्लर बनाएंगे. वही सब उस कबट में कौन सा लगाऊं जो आपके सूट से मैच हो रहा है? देखो मैंने आईशैडो गोल्डन सुनो. हां देखो नजर आ रहा है? नहीं गोल्डन सुनो गोल्ड. ये चुभ रहा है, वो चुभ रहा है. क्लाउन लग रहा हूं. नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ये बुरा लग रहा है. नहीं यार ये गंदा लग रहा है. क्या लिपस्टिक? हां नहीं सही नहीं लगाई तुमने. सही नहीं लगाई, फैला के लगा दी नीचे से. मेरे लिप्स ऐसे ही हैं. तुमने वो नहीं क्यों नहीं लगाई फाउंडेशन थोड़ी सी? नहीं मैं नहीं लगा रही नीचे, दाने खराब हो जाएंगे और मेरे फिर. क्या लग रही हूँ? बगलोर क्या होता है?
बेवकूफ गंदे खुद बगलोल बगलोल होता है मतलब क्लोन की तरह क्लाउन है ना वो तो मैं पहले से कह रही हूँ खुद बगलोलो आप लगाना भी नहीं आता कुछ भी देखो ये जो कुछ सही लग रही है ना देखिए अब सही है हाँ हाँ I'm done खड़ी कैसी हूँ अल्लाह 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 बिस्मिल्लाह ये देखो मैं हो गई तैयार टाइम पे मेरे टाइम पे नहीं लेकिन खैर पाकिस्तानी लेट ही निकलते ओए मेरे पैर नहीं पहन कर आने चाहिए थे मैं आ चुकी हूँ वापस मेरे हाथ बिल्कुल पूरे लाल हैं मेरे दुपट्टे की वजह से लेकिन जैसा आप लोग देख सकते हैं मैं खुश हूँ मज़ा आया आई एग्री मज़ा आया थकी हुई हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा असल में जिनके यहाँ शादी थी मतलब ढोलकी थी वो मैं उनको जानती हूँ मतलब जब हम छोटे थे हम बहुत खेलते थे और अब मैं नहीं जानती ना उनको अच्छे से तो फिर मुझे अजीब सा लग रहा था लेकिन मतलब अच्छा लगा जाके और लेकिन मज़ा आया मतलब पहले मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जाने का और जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत थकी हुई हूँ मज़ा आया पता नहीं मैंने 10 दफ़ा कह चुकी हूँ मैं ये मेकअप छुटाऊँ अपना अपने बिस्तर पे जगह बनाऊँ क्योंकि कपड़े निकालना इज़ हार्ड फिर मैं सोऊँगी मैं कपड़े चेंज कर आ गई हूँ क्योंकि उलझन हो रही थी ये मेरा व्लॉग था आई होप यू लाइक्ड इट अगर आंटी और अंकल आप देख रहे हैं वापस मैं 2 दफ़ा 10 दफ़ा कह चुकी हूँ थैंक यू बुलाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और हाँ बस थैंक यू बुलाने के लिए मुझे बहुत मज़ा आया हाँ बस थैंक यू बुलाने के लिए पता है हंसी की बात क्या थी ना ना मुझे लगा था कि आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देखते होंगे तो मैं सलाम करने गई तो आंटी ने बोला मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो मैंने बोला थैंक यू आंटी मतलब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा क्योंकि मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ इतनी मतलब ऑकवर्ड सी हूँ अजीब सी हूँ फिर मैं अंकल को सलाम करने गई तो फिर अंकल ने भी बोला वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो थैंक यू देखने के लिए और थैंक यू बुलाने के लिए मेरे हाथ अभी भी पूरे मैंने साबुन से मले हैं हर चीज़ से मला ये नहीं जा रहा तो बेयर विद इट ये मैं अभी उठाऊंगी नहीं मतलब देखना मैं क्या करूँगी और यूं करके जमीन पे और ये भी हर चीज ये भी आराम से हो जाएंगे।